नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। कोरोना वायरस के हालात अब नियंत्रण में है। पिछले 7 महीनों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या 10,000 से कम है। जून के बाद आज पहली बार कोरोना के 9,102 नए मामले सामने आए। वहीं 117 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 9,102 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,06,76,838 हो गए। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में 117 लोगों की मौत हुई है। मौजूदा समय में देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 1,77,266 हो गई है। इसके अलावा अब तक देश में 20,23,809 लोगों को टीका लग चुका है। बता दें कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का अभियान जारी है और अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अब बात करते हैं जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें जिले में कोरोना मरीजों के एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। आज मंगलवार को कोरोना के मात्र 6 नए केस मिले, जबकि 15 संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब यह आंकड़ा कुल कोरोना का संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,902 हो गया है और जिनमें से 9,690 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय केस की संख्या 116 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। इसीलिए सिटी वाइब एक बार फिर से आप सभी जनपदवासियों से अपील करता है, कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी का पालन करें। समय समय पर साबुन से लगातार अपने हाथों को धोएं। कोरोना अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें। हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, ICU, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स AC रूम अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोज हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339।